पंचर पीछे वाले में, ये निकालना पड़ेगा सारा सामान। 5 दिन का टोटल टैंकी है। हाँ। तो बोल रहे कि और मेरा पेट्रोल लगे 5 रुपये कैसे है, कल जो मैंने डाला भाई समझे धीरा में मेरा 2। हाँ हाँ करने लग जाते हैं, आ जाएंगे आ जाएंगे। नहीं 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 थोड़ी सी रोके कॉल कर देगा ना। हाँ भैया वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन एंड टुडे इज डे 9th ऑफ आवर राइड एंड हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं टूवर्ड्स तिनसुकिया। आ रहे हो? चलो इंटरकॉम पे पहले कनेक्ट हो जाते हैं। पहला पंचर एक्चुअली कल मेरे को लग रहा था कि पंचर पीछे वाले में, ये निकालना पड़ेगा सारा सामान। ठीक है देख लो पंचर पहले ही। सुबह सुबह वैसे भी लेट हो गए और लेट हो जाएंगे पता नहीं। आई थिंक सो पंचर ओनली, दे विल जस्ट स्प्रे सम वाटर ना दे विल गेट टू नो। जो पंचर था वो तो सही हो गया, वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। हाँ उस तरफ है, मैप लगा ही लेता हूँ। इंटरकॉम बोलो भाई, इंटरकॉम देखो, मुझे पता है ना 5 लीटर का क्या किया। 5 लीटर का टोटल टैंकी है। हाँ। तो बोल रहे कि और मेरा पेट्रोल लगे 5 रुपये कैसे है, कल जो मैंने डाला भाई समझे में मेरा 2 पाउंड का रहा था। जीरो नहीं किया टंकी है तो बिल्कुल खाली में थोड़ी ना आएंगे भाई। 2 पाउंड का जीरो नहीं किया उसने, इसलिए बोला ना लास्ट 2 दिन में क्या पता चल जाएगा। वही ना दिया अभी वापस, बहुत जगह करते हैं ये। नहीं होता यार, 5 का 5 बिल्कुल बिल्कुल डेडलाइन थोड़ी ना देके आ रहे हैं। हाँ 2 पॉइंट था तो 5 लीटर डाल दिया है साला, ये धांधली करते हैं वही। अच्छा हाँ वही ना, अभी अगर गलती नहीं होती तो फिर लड़ पाता ना वही। बहुत चोर हैं लोग साला यहाँ पे। क्या पेट्रोल? सही बात है, उसकी जेब से कहाँ से जा रहा। चलो चलें आ जाओ, बहुत चोर हैं भाई ये पे। सो गाइस ये है धनोआ नगर का एक पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल का, यहाँ पे चलते धांधली। उसने जीरो किया नहीं और 5 लीटर की टंकी में उसने पूरा मतलब 2 लीटर का ऑलरेडी पेट्रोल रहेगा और उसके बाद में उसने 5 लीटर और डाल दिया। हाँ 2 पॉइंट, हाँ 2 2, हाँ 2 लाइन दिखा रहे, उसके बाद भी 5 लीटर का डाल दिया। चलो चालू लोग हैं। वो मेरे से भी बोला था एक्स्ट्रा प्रीमियम डालना, मैंने कहा नहीं नॉर्मल से। तो गाइस अभी हम लोगों ने ले लिया है, अभी हम लोगों ने ले लिया है NH15 तेजपुर। बेसिकली उधर तेजपुर से 2 रास्ते चले जाते हैं, एक है जोरहाट का मतलब वाया जोरहाट उतर जाता है और एक ये वाला है। ये वाला हम लोगों को ब्रह्मपुत्र रिवर क्रॉस कराएगा, तो अच्छा है मतलब एक बार यहाँ पे क्रॉस करेंगे और एक सबसे सेकंड लार्जेस्ट पुल है ब्रह्मपुत्र रिवर पे, एक बार वो क्रॉस करेंगे। तो इसी वजह से हम लोग ये वाला रूट ले रहे हैं, अदरवाइज़ बाकी कोई रीज़न नहीं है। और ऊपर से ना इस वाले हाईवे पे कंस्ट्रक्शन कम चल रही है, देखो यहाँ पे सबसे नैरो है, तो हम जामुगिरी होते हुए जाएंगे यहाँ से। एंड वाओ मज़ा आता है, ये तो सबसे नैरो मतलब स्ट्रीम होगी यहाँ पे, तब जाके इतना छोटा ब्रिज बना है।
अभी आगे जाके आगे जाते जाते ये रिवर और बड़ी हो जाती है, तो टूवर्ड्स हम लोग तिनसुकिया जैसे जा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब इसका जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है उधर पे। आज का जो राइड है ना वो रहने वाला है हाईवे रन, तो 345 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस है बेसिकली तेजपुर से तिनसुकिया का, और तिनसुकिया में जाने का टी प्लांटेशन देखने का है हम लोगों को, तो जाके वही चीज़ एंजॉय करेंगे, देन उसके बाद में देखेंगे यार एक्चुअली वलाम साइड में जाने में देन दोबारा ऑफ रोडिंग मिलेगा, तो हम लोगों का प्लान ना थोड़ा सा डगमगा रहा है क्योंकि 12 तारीख को हम लोग रख रहे हैं मीटअप गुवाहाटी में। अब अगर थोड़ा सा भी लेट हुए तो उस चक्कर में हम लोगों को बाइक लोडिंग भी करानी है, देन हम लोगों को राइड एंड करने की पार्टी भी करनी है, तो कई सारी चीज़ें हैं, उसी हिसाब से देखेंगे प्लान। जिस हिसाब से हम लोगों का भी कुछ ऐसा नहीं था कि बिल्कुल कवर करना ही करना है ये वाली प्लेस, बट कभी आओ तो एक स्टेट या फिर दो स्टेट कवर करो, उससे ज़्यादा में मज़ा नहीं आता क्योंकि अच्छे से ना एक्सप्लोर नहीं कर पाते हो, थोड़ा बहुत ऐसा ही है मतलब हाईवे रन टाइप सा रहता है, एंड फिर आप लोग जो मतलब जो कल्चर एक्सपीरियंस करते हैं ना उस चीज़ का मज़ा है, अगर कल्चर एक्सपीरियंस नहीं करते तो फिर मज़ा नहीं है। आज हम लोग निकले थे सुबह तेजपुर से एंड बड़ा लंबा वाला रूट लिया भाई साहब, आज मतलब पूछो मतलब वैसे डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम ही था, बट ओनली थिंग इसके हम लोगों को थोड़ा सा स्टार्टिंग में ऑफ रोडिंग मिल गया, बट रात में जो है अभी रास्ता बढ़िया चल रहा है, तो जादू भी दिखा देता आपको, रेडी 1 2 3 गो, देखो क्या मस्त एकदम लाइट हो रखा है। तो अभी सीन कुछ ऐसा है, हम लोगों ने ये वाला रास्ता इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे पड़ता है इंडिया का मतलब सेकंड बिगेस्ट जो ब्रिज है वो पड़ता है, असम पुलिस का बैरिकेड्स, एंड यहाँ से शुरू हो जाता है अपना ब्रिज, देखो मैप पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ओह शिट इस साला इतना, हाँ हाँ धपड़ धपड़, हाँ इधर से शुरू हो गया है। हाँ इसके नीचे रेलवे ब्रिज है। देखो गाइज ये जो ब्रिज है ये है 4950 मीटर्स का, यार तब से चल रहा है यार, मतलब ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, सोचो कितना कंस्ट्रक्शन इसका डिफ़िकल्ट होगा, मतलब अभी तक स्ट्रेट चल रहा है एंड अब जाके यहाँ पे वो लैंड वाला पार्ट आ रहा है, वो वाला क्या एरिया दिख रहा है आई डोंट नो, आई थिंक सो कुछ तो डिब्रूगढ़ वाला एरिया रहेगा मे बी, बट पक्का नहीं है आसपास वाला कुछ भी रहेगा, बट लोग ना यहाँ पे पिकनिक मनाते आते रहते हैं। चलो बहुत सही था, बहुत बढ़िया ब्रिज था, अच्छी वाली फीलिंग आई, मज़ा आ गया, बट राइड सफल होगी आज की थोड़ी ऑफ रोडिंग वाली भी, करने लग जाते हैं, आ जाएंगे नहीं, पुलिस में रोके कॉल कर देंगे ना, कर लो एक बार फ़ोन कर लो। सो गाइस देखो यहाँ पे पूरा मैड डॉग वाला लाइट एकदम चमचमाते हुए, मस्त एकदम मज़ा आ गया, और आज का राइड हेक्टिक था भाई, क्या तेज़ लाइट है भाई साहब, ये देखो वाइट, ये वाला एक्चुअली बहुत तेज़ है, इससे बेटर तो येलो है। ये फ़ोन पे रिंग क्यों जा रहा है मेरा, हैं फोटो लेके आएंगे क्या, चलो ठीक है लेट्स गो, क्या फोटो, अच्छा
बस इधर ही रुक के ले लेते फोटो। हाँ हाँ और क्या, लाइट थोड़ी सी जहाँ पे रहे, थोड़ा और आगे चल लो, वो उधर पे ट्यूबलाइट है ना। हाँ इधर ठीक है, इधर ठीक है, इधर ठीक है। ऐसी ऐसी लाइन में एक एक सिंगल सिंगल करके। अरे राम कहाँ जा रहे हैं, और आगे। इस साला मेरे को हवा बार बार इसमें कम क्यों लगती है। सही में। सो गाइस फाइनली देखो, सबसे ऊंचे वाले ब्रिज पे पहुंच चुके हैं, सबसे लंबे ब्रिज पे 5 किलोमीटर का, और उधर साइड में डिब्रूगढ़ सिटी दिख रहा है। सो फाइनली गाइस यहां से निकल लिए हैं, एंड यहां से तिनसुकिया दिखा रहा है 67 किलोमीटर। अब थोड़ी देर में पहुंच ही जाएंगे, क्या है जल्दी किस बात की है, किसी बात की जल्दी नहीं है। ओहो ट्रैफिक जाम लग गया। हाँ भैया फोटो लेने गए थे, क्या बोल रहे हो, फोटो लेने गए थे फोटो। हीरो लोकल हीरो पूरा मजेदार एकदम जोश में है, डांस वांस कर रहा है। अरे क्या हो गया। कहीं पे भी मुड़ गया अचानक से, अभी तो डांस कर रहा था अच्छे से। नहीं मैं तो वैसे भी 4K में रिकॉर्ड करता हूँ ना, उसी को डाल देना क्रॉप करके। कॉट भाई असंभल यूट्यूबर्स एक्सपोज्ड। चलो एंड कर देते हैं ब्लॉग। सो गाइस अभी यहाँ से तो अंधेरा हो चुका है, आप लोगों को कुछ दिखेगा है नहीं ज़्यादा। और अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, एंड इसी के साथ आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं इसी के साथ अगले ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।